हेलो गाइस, आज आपका स्वागत नहीं है मेरे किचन में, क्योंकि आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं टीनी वीनी आर्ट चैलेंज, जिसमें हम देखेंगे कि मैं अपनी ही ड्राइंग को कितना 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 छोटा बना सकती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करने के लिए मैंने 15x15 ड्राइंग शीट लिए। तो मैं ये चैलेंज इसलिए अटेम्प्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ऐसी ड्राइंग बनाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और इससे बढ़िया टाइम मेरे पास हो नहीं सकता इस चैलेंज को अटेम्प्ट करने के लिए। और अगर अभी तक आप नहीं बता पा रहे हो कि मैं क्या बना रही हूँ, जो मैं भी नहीं बता पा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे वाटरमेलन स्लाइस बना रही हूँ, जिसकी एक क्यूट सी शक्ल है। इसकी शक्ल को लेकर मैं अभी भी अनश्योर हूँ, खासकर इसकी ये स्माइल, लेकिन कोई बात नहीं। सो आर ड्राइंग इज कम्प्लीटेड, लेकिन ये मुझे क्यूट से ज़्यादा कैट जैसी दिख रही है। ओके देन, हम आ जाते हैं अपने दूसरे पड़ाव पे। अब मैंने यहाँ पे 7x7 सेंटीमीटर की शीट ली है। मुझे पता है 15 का आधा 7.5 होता है, लेकिन जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैंने 7 सेंटीमीटर लिया है। तो बस हमको अपनी पेंटिंग को रिक्रिएट करना है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ये पेंटिंग ओरिजिनल से ज़्यादा बेटर लगी, पता नहीं क्यों, बट आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। अब ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत टाइम जाता है, तो मैं बोर्डम को दूर करने के लिए अपने ब्लूटूथ स्पीकर से गाने चलाती हूँ। वैसे मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, मूविंग ऑन। अब मैंने यहाँ 3x3 सेंटीमीटर की शीट ली है और फ़ोन को करते हैं आप साइड में और लग जाते हैं काम पे। तो इस वक्त मुझे लगने लगा था कि मुझे दिक्कतें आएंगी, लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत ही नहीं आई। और ये ड्राइंग भी मुझसे हंसते हंसते खिलते खिलते बनी गई और काफ़ी अच्छी बन गई। लेकिन ये अच्छाई ज़्यादा देर टिकने नहीं वाली थी, क्योंकि अब हम 1x1 सेंटीमीटर की कैटेगरी में आ चुके थे और ये इतना अनस्टेबल था कि मुझे एक टेप से इसको चिपका कर इसके ऊपर ड्राइंग बनानी पड़ी। तो भी मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि मैं इसमें कम से कम सारे फीचर्स तो ड्रॉ कर सकी, जैसे इसकी आँख, सीड्स और स्ट्राइप्स। और ये आने वाली ड्राइंग से काफ़ी बेटर बना था, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा ही होने वाला था, क्योंकि अब हम 1/2x1/2 सेंटीमीटर की शीट पर ड्राइंग करने वाले थे। अब ऑब्वियसली बात है, मैं इतनी सी लिमिटेड स्पेस में इसका हर फीचर ड्रॉ नहीं कर पाई। मैं सिर्फ इसकी आउटलाइन, आईज और उसका उदास चेहरा ही ड्रॉ कर पाई। मैं कलर्स भी इस पर नहीं चला पा रही थी। तो ये रही हमारी ड्रॉइंग। पर अगर मैं इसको फर्स्ट ट्राई के हिसाब से देखूँ तो काफ़ी ठीक था। पूरी वाटरमेलन फैमिली आ चुकी है, जिनके ये है परदादा, ये हैं दादा, ये हैं पिता, ये है उनका बच्चा और ये है उनका दूसरा बच्चा, जिसने शायद अभी तक जन्म भी नहीं लिया है। तो हमारे यहाँ पे वाटरमेलन फैमिली ट्री, यानी हमारी सारी ड्राइंग्स बन चुकी हैं। और इसके साथ ही साथ हमारा टीनी वीनी चैलेंज भी समाप्त होता है। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वाटरमैन एंड फैमिली की दुआएं लगेंगी। और मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हूँ, तो आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।